हरे कृष्णा, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा लव आर्ट। तो ये देखिए, आज ही इस तरीके की ड्रेस हम गोपाल जी के लिए आज की इस वीडियो में बनाएंगे। ये भी देखिए, नाइट ड्रेस के लिए भी आप इसको पहना सकते हैं और समर्स में भी आप इसको डेली में भी डे में भी पहना करके इसको रख सकते हैं आप अपने गोपाल जी के लिए। देखिए, मैंने इसको पहनाई है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ड्रेस है और एकदम सिंपल और आसान तरीके से इसको पहनाई जा सकती है और बनाना भी बहुत ईजी है। बनाने के बाद ये देखिए, मैं इस तरीके से इसको पहना दिया है लड्डू गोपाल जी को। बहुत ही प्यारी खूबसूरत ड्रेस लगेगी और एकदम कंफर्टेबल है। समर्स में इस तरीके की ड्रेस आप अपने गोपाल जी के लिए एकदम इजी और आसान तरीके से बना करके बहुत ही जल्दी से रेडी कर लेंगे। तो चलिए बनाना ड्रेस को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइज, आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो आपको पसंद आए, ड्रेस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है, बहुत ही प्योर कॉटन का फैब्रिक है, एकदम कंफर्टेबल टाइप का। समर्स में गोपाल जी के लिए इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो 8 इंच और उसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैब्रिक को एक साइड से, ये देखिए थोड़ा सा एक साइड से इतना चौड़ा हम इस तरीके से, जिसमें आराम से इसके अंदर इलास्टिक फील हो सके, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड से और थोड़ा सा हल्का चौड़ा। तो दोनों साइड से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले मैं इस पर एक साइड से आपको सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। देखिए, एक साइड से सिलाई लगा दी है, अब ऊपर की साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा रखते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी इसमें इलास्टिक अंदर की साइड इजीली फिल हो सके। तो चलिए, इस पर भी सिलाई लगा देती हूँ एक साइड से। तो ये देखिए, दोनों साइड से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर हमें चोली बनाकर लगानी है। तो चोली बनाने के लिए मैंने ये सेम स्ट्रिप ले ली है, इसी तरीके की सेम फैब्रिक की। इसकी जो लंबाई चौड़ाई दिखा दूँ आपको, चौड़ाई इसकी 2.5 इंच रखी है और लंबाई इसकी 8.5 इंच रही है इस स्ट्रिप की मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इतना इतना फोल्ड कर देंगे और एक सीधी सिलाई इस पर हमें लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी सीधी। देखिए, एक सीधी सिलाई स्ट्रेट लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से करेंगे और फिर ये जो हमने नीचे का बेस बनाया था उसके बिल्कुल सेंटर में लगा करके इसको सिलाई कर देंगे। तो देखिए, सिलाई हम इस तरीके से इसको करेंगे, जो भी आपको लगे कि ये फैब्रिक का, ये देखिए सेंटर है इस स्ट्रिप का, तो इसके बिल्कुल सेंटर पर रख करके एक सीधी सिलाई इस पर हमें लगा लेनी है। तो चलिए, पहले इस पर इसको अटैच कर लेते हैं साथ में इसके। देखिए, इस पर सिलाई लगा करके इसको साथ रख दिया, हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर हमें इलास्टिक डालनी है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये इसमें सेफ्टी पिन भी डाल दी है इलास्टिक डालने के लिए। अब इसको सीधे सीधे इसके अंदर की साइड हमें फिल कर लेंगे। देखिए, अंदर के साइड यहाँ तक इसको लगाने के बाद इसको खींचते हुए इलास्टिक को हम सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए, एक सीधी सिलाई भी मैंने ये देखिए इस तरीके से लगा दी है। ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर ये दोनों साइड के हिस्से को रख करके यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। देखिए, यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है और नीचे बीच में भी हमने इसमें इसको वी शेप में सिलाई लगा करके कटिंग इसकी कर दी है हमने। तो ये ड्रेस बन करके तैयार हो गई है लड्डू गोपाल जी के लिए हमारी। देखिए, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ड्रेस है और कितनी आसान तरीके से एकदम फटाफट से बना करके आप इसको तैयार कर लेंगे और किसी भी साइज़ में आप इसको लड्डू गोपाल जी के लिए बना करके तैयार कर सकते हैं। छोटे से बड़े किसी भी साइज़ में गोपाल जी के लिए बहुत ही ईजीली बन करके रेडी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये ड्रेस बनाना। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, गोपाल जी की ड्रेस भी आपको पसंद आई होगी।
ड्रेस अगर अच्छी लगे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।